ओके बच्चा, देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन 22 का फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है? 22 का फर्स्ट कहता है ऐसा, इन सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जैन टोटल ऑफ पेज नंबर 3 वाज कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 4 एज 1000 इन स्टीड ऑफ 1200। समझो, पेज नंबर 10 to 11 पे आने पर 200 रुपए से जो सेल्स बुक है इसका टोटल ज्यादा लगा, ये समझ आया क्या? क्वेश्चन ने बोला है आपको ऐसा, सेल्स बुक में जनवरी की जो मंथ वाली सेल्स बुक है उसका टोटल पेज नंबर 3 का पेज नंबर 4 पे लाते टाइम 1000 लगा इंस्टेड ऑफ 1200। 1200 रुपए लगना था, लगा कितना? 1000। तो बेटा 200 रुपए से कम लगा ना, कम लगा, कम सेल्स बुक का टोटल 200 रुपए से कम लगा पेज नंबर 10 से 11। फिर नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, और पेज नंबर 7 से हमने पेज नंबर 8 पे जो कैरी फॉरवर्ड किया वहां पे 5600 लगा 5000 की जगह, मतलब लगना 5000 चाहिए था और हो गया 5600। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि सेल्स बुक का नेट नेट 400 रुपए से सेल्स बुक का टोटल ज्यादा लगा? ये वाली बात समझ आती है क्या आपको? 200 से सेल्स बुक का टोटल कम लगा पेज नंबर 10 से 11, और पेज नंबर 7 से 8 में 600 से सेल्स बुक का टोटल ज्यादा लगा, तो नेट 400 रुपए से सेल्स बुक का टोटल ज्यादा लगा। तो बेटा इस केस में आपकी एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सेल्स का टोटल ज्यादा लगता है तो सेल्स डेबिट टू सस्पेंस अमाउंट 400। क्लियर? 23 का फिफ्थ ऐसा कहता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फिफ्थ फिफ्थ। ओके, बिल फॉर ₹820 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीन वाज एंटर्ड इन द परचेस बुक एज 720। हमने रिपेयर करवाया है रमेश से, तो राइट एंट्री जो बनता है इसका, यहाँ पे राइट और रॉन्ग बनाते हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू, मान लीजिए हमने पैसे नहीं दिए हैं अभी इसको, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश, दिस वाज द राइट एंट्री 820 रुपीज से। और बाय मिस्टेक क्या हुआ है, परचेस बुक में डेबिट कर दिया, मतलब हमने ये मान लिया कि परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, एंट्री आएगा बेटा इससे 720, अमाउंट 720 लिखा है। आपको 720 दिख रहा है? ओके, तो राइट को सीधा रॉन्ग को उल्टा क्रॉस पोस्ट करेंगे, देखिएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट 720 से 820 से, सॉरी रमेश 820 से क्रिएट होना था, 720 से ही क्रिएट हुआ। राइट को सीधा लिखोगे तो रमेश क्रिएट होगा 820 से और डेबिट होगा 720 से, ये वाला डेबिट होगा ये वाला। तो बेटा क्रेडिट में अपन 100 रुपए डाल देंगे टू रमेश, 820 से क्रेडिट होना था 720 से, तो यही है 100 रुपए से क्रेडिट, और जो परचेस डेबिट है इसको परचेस को क्रेडिट कर देंगे परचेस अकाउंट 720। यहां तक समझ आता है? ये 23rd का फिफ्थ होता है। इसके अलावा क्वेश्चन 24 तक कोई डाउट? नहीं है, ठीक है जी। चलिए 25th क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। 25th, गिव द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द फॉलोइंग 25th क्वेश्चन। 5400 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा ये राइट रॉन्ग बनाते हैं इसकी भी। राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन चलेगी 25th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 5400 हमें रिसीव हुआ है ए से, तो राइट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अमाउंट 5400। रॉन्ग एंट्री में हमने डेबिट कर दिया मिस्टर ए को, तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा मिस्टेक किस में, डेबिट साइड में है या ए के अकाउंट में? तो बेटा मिस्टर ए के अकाउंट में मिस्टेक है, उसको क्रेडिट करना था, हमने डेबिट कर दिया,
मतलब सिर्फ यहाँ मिस्टेक है, तो कैश अकाउंट जो डेबिट है वो तो डेबिट है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो कैश से कैश हो गया कैंसिल। राइट को सीधा रॉन्ग को उल्टा बनाओगे, राइट एंट्री सीधी होगी मिस्टर ए क्रेडिट अमाउंट 5400, और ये रॉन्ग वाली भी उल्टी होगी, तो 5400, तो टोटल 10,800 से हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद डेबिट क्या होगा, सस्पेंस 10,800। क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है? सेकेंड एंट्री, सेकेंड पॉइंट इसका कहता है द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड बाय 800। सेल्स रिटर्न का टोटल 800 रुपए से ज्यादा लगा, सेल्स रिटर्न जनरली डेबिट होता है तो क्रेडिट कर दो क्योंकि ओवरकास्टिंग है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 800 रुपीज। थर्ड पॉइंट, रुपीज 2740 पेड फॉर रिपेयर्स टू मोटर कार वॉज डेबिटेड टू मोटर कार एज 1740। समझो, हमने रिपेयर करवाया, ये है हमारा फर्स्ट वाला ना, अब है थर्ड वाला, राइट रॉन्ग। रिपेयर करवाया है मोटर कार का 2740 से, तो एंट्री होना चाहिए था रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 2740, और हमने मिस्टेक क्या की मोटर कार में डेबिट कर दिया, मतलब इस बार जो मिस्टेक है वो डेबिट साइड में है। टू कैश तो वही है, कैश में वही 2740 है, उस मिस्टेक क्या है मोटर कार को डेबिट करके मोटर कार में 1740 रुपीस डेबिट किया। हाँ बेटा, 1740 लिखा है मोटर कार में, 1740 लिखा है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब देखिएगा, कैश से कैश हो गया कैंसिल, राइट एंट्री को सीधा, बाकी रॉन्ग एंट्री को रिवर्स। रिपेयर अकाउंट डेबिट 2740, मोटर कार को क्रेडिट करेंगे 1740 से, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करते हैं, और बैलेंसिंग फिगर 1000 रुपीज। सस्पेंस, जहां जो चीज मैच ना हो रही है वहां पे सस्पेंस। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहता है बच्चा इसका, रिटर्न गुड्स टू शाम 1500 वर पास थ्रू रिटर्न इनवर्ड बुक। हमने शाम को माल लौटाया, जब लिखा होता है ना रिटर्न गुड्स टू करके, टू अगर वर्ड लिखा हो इसका मतलब परचेज रिटर्न है, हमने शाम को खरीदे हुए गुड्स वापस लौटाए, तो एंट्री बनती है इसकी शाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना है इसका 1500, और हो क्या गया रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट इस बुक से पास हो गया, तो सेल्स रिटर्न बुक अकाउंट डेबिट टू शाम। पूरी एंट्री में मिस्टेक है, अमाउंट 1500 ही। राइट एंट्री को सीधा रॉन्ग को क्रॉस करेंगे, तो बेटा शाम अकाउंट तो डेबिट कितने अमाउंट से, एक तो राइट वाला डेबिट 1500, एक रॉन्ग वाला क्रेडिट भी डेबिट होगा, तो 1500 टोटल 3000। टू परचेस रिटर्न क्रेडिट है राइट एंट्री का, तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट ही करो, अमाउंट भी रखो 1500, और सेल्स रिटर्न 1500 से डेबिट है रॉन्ग एंट्री में, तो इसको कर दो क्रेडिट 1500। एक बार अपने पास एसएस ले ले, क्वेश्चन 25th कंप्लीट। अगर आपको यहाँ पे 25th नहीं दिख रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25th का फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा 26 की तरफ चलते हैं अपन, 26 भी मैं ही करवाऊंगा आपको ना, चार क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, चार आपको मैं दूंगा घर घर पे करने के लिए, कोई नई चीज तो बची ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी, ले लिया होगा एसएस बेटा, चलिए हटा दीजिए। ठीक है जी, करते हैं। A check for rupees 10,000 was received from Ranjan
ऑन विच 200 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड, मतलब हमने रंजन से हमें 10,000 रुपये मिले हैं, हमने 200 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया है। द चेक वॉज नॉट ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। समझना, हमने 10,000 रुपये रंजन से 10,200 रुपये मांगते थे, 10,000 रंजन ने हमें चेक दिया, 200 का हमने डिस्काउंट दिया उसे। अब वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर होते ही जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था उसको हमें क्रेडिट करके खत्म करना पड़ता है, रिवर्स एंट्री पास होती है। आपको एक बार समझाता हूँ इस चीज के लिए। देखिए, जब हमें चेक मिला होगा, मैं आपको फर्स्ट का आंसर नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूँ, फर्स्ट का आंसर नहीं इसके। जब आपको आपको चेक मिला था, आपने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास पैसा बैंक में आ गया, क्या आपने बैंक में भी डाला है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रंजन, दिस इज योर एंट्री जो आपने पास की थी रंजन से चेक मिलते टाइम। अब जब ये चेक डिसऑनर हुआ तो देखना, समझना, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री क्या होगी? डिसऑनर होने की, जस्ट पलट जाएगी, रंजन अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट अलाउड। समझो, 10,000 रुपये का बैंक में अमाउंट, 200 रुपये का डिस्काउंट, टोटल 10,200। अब आपने मिस्टेक क्या, ये डिसऑनर होने की एंट्री है ना, डिसऑनर होने की ये नहीं है, ये तो चेक मिलने की एंट्री थी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है इसको। और रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ है, रंजन डेबिट है भाई सेम 10,200 से, टू बैंक भी है 10,000 से, टू डिस्काउंट अलाउड की जगह बस रिसीव्ड है, बस ये वाली चीज चेंज है, 200 रुपए से ये अलाउड है और वो रिसीव। राइट एंट्री में अलाउड क्रेडिट होना चाहिए था और डिस्काउंट रिसीव बाय मिस्टेक गलती से क्रेडिट हो गया। तो रेक्टिफिकेशन क्या बनेगी, दिस इज नॉट योर रेक्टिफिकेशन जो मैंने अभी पहले बताई। रेक्टिफिकेशन बनेगी राइट एंट्री को सीधा रॉन्ग को उल्टा, रंजन डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करना था, अब कर दो 200 रुपए से, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया तो डिस्काउंट रिसीव को कर दो डेबिट। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का पॉइंट, 26 का फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पे आते हैं बेटा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा। ओके, अब ठीक हो जाए। सेकंड पॉइंट देखिएगा, ₹2,000 पेड एज वेजेस फॉर मशीन इंस्टॉलेशन वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने मशीन के लिए 2,000 रुपए लगाए थे, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए नई मशीन थी, ठीक है, अब वो वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया आपने, तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमारा अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस है वो ये कहता है, कोई असेट खरीदते टाइम किए गए सारे खर्चे उस असेट की कॉस्ट में जुड़ते हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था 2,000, और यहाँ हो गया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे मैं इसकी डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन बना सकता हूँ, बट आप लोगों के लिए नहीं बना रहा अभी। कैश से कैश तो कैंसिल, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 2,000, ठीक है। थर्ड पॉइंट अब देखिएगा, इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ₹5,000 रिसीव फ्रॉम राकेश वर क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमें राकेश से पैसे मिले हैं 5,000 रुपए, द अमाउंट हैड बीन रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट अर्लियर। समझना, पहले हम जो राकेश से पैसे मांगते थे वो डूब गए थे, तो हमने एंट्री पास की होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राकेश, डूब गए थे वो। अब वो पैसे 5,000 मिले हैं, तो एंट्री राइट क्या होनी चाहिए, डूबा हुआ पैसा वापस मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, कितने रुपए से, 5,000 रुपीज से। आपने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट किया लेकिन टू राकेश कर दिया 5,000 से, तो बेटा कैश से कैश तो कैंसिल, ये तो राइट है। रेक्टिफिकेशन क्या बनेगा, राइट को सीधा रॉन्ग को उल्टा, राकेश अकाउंट डेबिट, रॉन्ग वाला डेबिट कर दिया 5,000, टू बैड डेट रिकवर्ड। एक बार वापिस समझाना। बिल्कुल, देखिए जी, आपको
5,000 रुपए डूबे हुए मिले राकेश, जिससे आप पहले मांगते थे 5,000 रुपए, उसको आपने एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर दिया कि अब वो पैसा नहीं आएगा, बट अब वो पैसा आ गया और आपने क्या किया उसको कि राकेश में डेबिट कर दिया, राकेश में क्रेडिट कर दिया सॉरी। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश कर दिया, तो रेक्टिफिकेशन बनेगा राकेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, रिपेयर बिल ऑफ मशीन वॉज रिकॉर्डेड एज 100 अगेंस्ट द बिल अमाउंट 1,000। 100 रुपए का रिपेयर का बिल नहीं था, 1,000 का था, हमने 100 रुपए रिकॉर्ड किया। अब और लिख दो, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 900 रुपए। यहाँ पे सस्पेंस भी कर सकते हैं, इक्वली कैश भी कर सकते हैं। रिपेयर करवाया था हमने, क्वेश्चन ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपने कहाँ डेबिट या क्रेडिट में मिस्टेक की है, भी कह रहा है पूरी एंट्री में मिस्टेक है। 1,000 रुपए का रिपेयर का बिल था, अब वो 100 रुपए ही रिकॉर्ड हुआ, तो आप रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हो, सस्पेंस भी कर सकते हो, दोनों इक्वली गुड है। क्वेश्चन 26 कंप्लीट, एक बार एसएस ले ले सब बच्चे। ठीक है, चलिए 27 पे आते हैं। ले लिया होगा आपने एसएस बच्चा, एसएस थोड़ा फास्ट फास्ट लेना है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी करवाए जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन 27 क्वेश्चन सेज सेल्स बुक हैज बीन टोटल रुपीज 1,000 शॉर्ट, सेल्स बुक 1,000 रुपए से टोटल कम लगा। लीजिए जी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,000 रुपीज। इधर हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, राइट और रॉन्ग करेंगे, और उधर रेक्टिफिकेशन करेंगे। सेकंड पॉइंट सेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ग्रीन एंड कंपनी ने हमें गुड्स लौटाए, यानी हमने बेचे होंगे उसे, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री हमने पास नहीं की, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। में एस ऑब्लिक आर लिखता हूँ, आप समझ जाना हो सेल्स रिटर्न है, सीधा रिकॉर्ड कर दो 1,500। थर्ड पॉइंट, goods purchased worth rupees 2500 have been posted to the debit of supplier account Gupta and Company. हमने गुप्ता एंड कंपनी से 2500 रुपए के गुड्स खरीदे, आप इसको समझना ऐसे, खरीदे किससे ये बताया नहीं, लेकिन ये बोला सप्लायर में डेबिट कर दिया, सप्लायर का नाम भी दे दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, राइट एंट्री ये होती, अमाउंट है 2500 से, और आपने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, गुप्ता एंड कंपनी में डेबिट कर दिया। बेटा मिस्टेक गुप्ता एंड कंपनी में है, ना कि साइड में, गुप्ता एंड कंपनी में डेबिट कर दिया, परचेज तो सही डेबिट किया है, परचेज के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो परचेज से परचेज तो हो गया कैंसिल, बचा क्या, राइट एंट्री को सीधा गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री को भी सीधा करेंगे अपन, उल्टा करेंगे, गुप्ता डेबिट है क्रेडिट हो जाएगा, तो 2500 उसका, 2500 राइट वाली एंट्री का, 2500 रॉन्ग वाली एंट्री रिवर्स होगी, तो टोटल 5000 डेबिट किया हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। फोर्थ 27 का फोर्थ कहता है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी वर्थ रुपीज 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। आपने फर्नीचर खरीदा गुलाब एंड कंपनी से 10,000 का, तो बेटा राइट एंट्री होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, अमाउंट कितना है इसका 10,000। हमने क्या कर दिया, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस बुक में लिख दिया, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया टू गुलाब एंड कंपनी। देखो गुलाब एंड कंपनी से गुलाब एंड कंपनी तो गया, बचेगा क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट राइट एंट्री, रॉन्ग में परचेस को क्रेडिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस 10,000 रुपीज। फिफ्थ पॉइंट,
पॉइंट ऐसा कहता है बेटा, कैश रिसीव फ्रॉम ए 2500 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट, इन हिज अकाउंट, ए के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, हमें कैश मिला है ए से, तो बेटा राइट एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू ए। अमाउंट कितना है? 2500। और हमने क्या किया, हमने सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट करके छोड़ दिया, ए में क्रेडिट किया ही नहीं, तो कैश से कैश तो हो गया कैंसिल, ई में अब लिख दो टू ए सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बेटा न्यू बुक के क्वेश्चंस पूरे नहीं है मेरे पास आई थिंक, है ना, जिसके पास न्यू बुक हो वो एक बार चेक करके बताना कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है? ओके 27 कंप्लीट हो चुका है, एक बार इसका एसेस ले लें आप बच्चे। ट्वेंटी एट की तरफ आ रहे हैं बेटा, हटा दें इसको, 28 कितने बच्चे कनेक्टेड है अभी? ट्वेंटी एट। देखो बच्चों 28 क्वेश्चन क्या कहता है, जर्नल एंट्री पास करनी है वैसे ही आपको। फर्स्ट पॉइंट सेज अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डेबिट अमाउंटिंग रुपीज 150 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक, गुड्स खरीदा है सेल्स बुक में एंट्री पास कर दी 150 से। अब बेटा इस क्वेश्चन से मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि आपको विदाउट राइट और रॉन्ग एंट्री बनवाए आपको डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन बनवाऊ, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम बचेगा, आप कर सकते हैं डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री एग्जाम में। तो सुनिएगा, आपने गुड्स खरीदा है डेबिट से, बेटा राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 150 टू डेबिट, समझना, टू डेबिट 150, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। आपने कर क्या दी, डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स बुक के थ्रू एंट्री पास कर दी ना, डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मिस्टेक है ये, तो इसको क्रॉस करो, उल्टा करो, डेबिट डेबिट है तो डेबिट को क्रेडिट कर दो 150 से, तो 150 150 टोटल हो गया 300 डेबिट, और सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स को डेबिट कर दो। तो अगर आज के बाद कभी भी अभी ये एंट्री आए, परचेज बुक में रिकॉर्ड करने की एंट्री आपने सेल्स बुक में कर दी, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट 2% का नाम डबल अमाउंट से, सीधी रेक्टिफिकेशन। सेकंड पॉइंट, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रुपीज 120 टू पीटर हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, अब हमने उधार पे बेचा है पीटर को, तो राइट एंट्री क्या होती है, पीटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, और हमने कर क्या दी, परचेस अकाउंट डेबिट टू पीटर, तो परचेस डेबिट था परचेस को करो क्रेडिट, पीटर क्रेडिट था तो पीटर को कर दो डेबिट, तो डबल अमाउंट हो गया पीटर में टोटल 120 प्लस 120, 120 तो राइट वाला, 120 रॉन्ग वाला, जिसको हमें रिवर्स करना है, और सेल्स में 120 परचेस में 120। आ रहा है समझ में बच्चा? अगर नहीं आ रहा हो तो बता दो, मैं आपको राइट और रॉन्ग बनवाऊ, अगर आ रहा है तो चलने दो, थोड़ा सा आ रहा टाइम है सर, आ लगेगा, रहा है थोड़ा सा टाइम सर, लगेगा आ बेटा, रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ना ऐसी प्रैक्टिस करने से राइट और रॉन्ग वाली चीज माइंड में ही चलेगी, और थोड़ा जब आप और फास्ट कर पाओगे तो आपको करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। मैं बताऊंगा अभी आपको, सीखना मेरे साथ साथ। ₹200 सैलरी टू कैशियर बिमल, बिमल नाम का एक कैशियर है हमारा, हमें उसे ₹200 का सैलरी देना है, स्टैंड्स रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। समझो, सैलरी अगर आप किसी भी व्यक्ति को दो, चाहे बिमल को दो, चाहे विमल को दो, चाहे किसी को भी दो, एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने बाय मिस्टेक बिमल अकाउंट डेबिट टू कैश किया, उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया, मतलब उसके नाम को डेबिट किया, बिमल अकाउंट डेबिट टू कैश किया, तो कैश कैश तो सही है, राइट एंट्री सैलरी डेबिट होना चाहिए, गलती से बिमल डेबिट कर दिया, तो बिमल को क्रेडिट कर दो और सैलरी को डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बिमल, अमाउंट आ गया बेटा ₹200। फोर्थ, अ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 4,232 क्रिशन एंटर्ड एज परचेज फ्रॉम के आई एस एच ए एन किशन 4,320। समझ रहा बच्चा,
किशन और कृष्ण दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है? आप चाहो तो इसकी राइट रॉन्ग बनाना, मैं आपको पहले विदाउट राइट रॉन्ग बनाया करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद राइट रॉन्ग से भी करवा दूंगा अगर आपको नहीं समझ आया तो। क्रेडिट सेल क्या था 4230 का? किशन, कृष्ण को। तो बेटा राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? KRISHAN, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आना था कृष्ण में? 4230, और इधर सेल्स में भी 4230। हमने बाय मिस्टेक क्या किया, किशन से परचेस, परचेस परचेस अकाउंट डेबिट टू किशन, तो परचेस डेबिट था, परचेस को कर दो क्रेडिट, 4320, और किशन क्रेडिट था किशन को, KISHAN, इसको डेबिट कर दो। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों को सेम मत मान लेना, और अमाउंट भी ये और ये सेम है, ये और ये वाला सेम है, समझ गए क्या? पूरी एंट्री राइट एंट्री, सीधी सीधी रॉन्ग एंट्री पूरी रिवर्स होकर के आ गई यहाँ पे। मैंने किशन किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते टाइम बीच में एक लाइन का स्पेस छोड़ा था, जस्ट बिकॉज मेरे माइंड में ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुकी थी। फिफ्थ पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है इस वाले क्वेश्चन का, रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विथ 840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। समझो, रमेश का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 840 रुपीज से दो बार, 840 840, करना एक ही बार था। मतलब रमेश का अकाउंट एक बार क्रेडिट होना था, हमने एक बार क्रेडिट किया वो सही था, एक बार और कर दिया क्रेडिट। तो बेटा इसको रेक्टिफाई करने के लिए रमेश को डेबिट कर दो, एक बार डेबिट कर दो, रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 840। आई बात समझ में? कंप्लीट हो गया बेटा 28 नंबर का क्वेश्चन। एसएस लीजिए बच्चा, इसके होमवर्क क्वेश्चंस नोट कीजिए आपके पास, 29, 30, 31, 32। ठीक है, बस 32 तक आपको करने, चार क्वेश्चंस। आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं? 24 से लेके किए ना, 24 to 28 हमने किया, 25 से किए। 25, 26, 27, 28, चार क्वेश्चन हो गए डेली, चार मतलब मैंने करवाए हैं और चार आपको करने हैं, 29, 30, 31, 32। ओके, चलिए, जिन बच्चों के वो वीडियोस को लेकर के कुछ है तो बेटा वीडियो साथ रात तक आ जाएगी, है ना, सारी वीडियोस आ जाएगी, डोंट वरी। चलिए, बाय बाय।